अम्बा प्रसाद एक युवा नेता हैं। अम्बा प्रसाद कांग्रेस उम्मीदवार रह चुकी हैं और अब कांग्रेस की सीट से ही वो इलेक्शन जीती है। यही सीट कांग्रेस के टिकट पर ही उनके पिता योगेंद्र साव ने 2009 में जीती थी। वे मंत्री भी बने थे। कई आरोप उन पर लगे हैं, वे जेल भी गए हुए हैं। 2014 में अम्बा की मां निर्मला देवी ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के ही टिकट पर वे जीती भी थी। यानी लगातार 3 चुनावों में इस सीट पर इसी परिवार का कब्जा रहा है। योगेंद्र साव पर करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं। रामगढ़ स्पंज आयरन फैक्ट्री से रामदारी मांगने के दोषी पाए गए झारखंड हाई कोर्ट ने सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार भी रखा था। योगेंद्र साव को एक कंपनी से रंगदारी मांगने के मामले में कोर्ट ने 2.5 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा कुछ अन्य मामले भी उन पर दर्ज है। आपको बता दें कि योगेंद्र साव और निर्मला देवी पर हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी की जमीन अधिग्रहण के विरोध में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और सुरक्षा बलों पर भीड़ से हमला कराने का आरोप है। इस मामले में दोनों के विरुद्ध बड़का गांव थाने में प्राथमिकी दर्ज है। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट गए थे। बड़का गांव के ढेंगा गांव में एनटीपीसी के पकरी बरवाहडी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के विरोध में 14 अगस्त 2015 को पुलिस के साथ ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी। इस मामले में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन्हें निचली अदालत ने 2 साल की सजा दी थी, जिसके विरोध में उन्होंने ऊपर की अदालत में अपील की और हाईकोर्ट में जमानत याचिका भी दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको सजा सुनाई थी, जिसके चलते वो अभी तक जेल में है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।